हेलो दोस्तों, मैं हूं रक्षा गुप्ता, आपकी जीएस के एजुकेटर। वेलकम टू श्योर पर्सन। डेली डोज की सीरीज में आज लेक्चर 23 है, तो देखते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कल कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट थी। लेट्स बिगिन। क्या था कल? अभी दो तीन दिन पहले आरसीईपी की बैठक हुई है, तो ये है कंटेक्स्ट यानी कि इसे हम पढ़ रहे हैं आज किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं ना, न्यूज में क्यों है, कंटेक्स्ट हम देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं। मेरे हिसाब से कंटेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट होता है और बैकग्राउंड, तो हम दोनों लेके चलेंगे। तो पहली बात है कम होगी, तो कंबोडिया में भी, कंबोडिया एक देश है आप जानते होंगे, और कहाँ पर है ये देश, तो साउथ ईस्ट एशिया में। कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया। इतनी बात समझे होंगे। फिर आरसीईपी है क्या, क्वेश्चन ये होगा ना, आरसीईपी है क्या, तो रीजनल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉर्पोरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, ये इसकी दोनों मतलब है। तो इसमें जो भी देश होंगे ना, वो आपस में मिलेंगे किसके लिए, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का मतलब है आर्थिक सहयोग करना, आपस में मिलना, मतलब एक दूसरे से ऐसे सहयोग करना कि सबकी इकोनॉमिक बूस्ट हो, आगे बढ़े, इंक्रीज करे, ऐसा। तो इनका काम ये है। इसमें सदस्य कितने हैं? तो 16 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 16 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, क्यों देखना है हमें कि हमें ये पता होना चाहिए कि भारत किसका सदस्य है, उसका नहीं। तो क्या इंडिया इसका सदस्य है? तो यस, इंडिया इसका सदस्य है। इंडिया हो गया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और जापान। कितने हो बचे? और मैंने आपको बताया 16 हैं। 10 कौन से बचे? 10 बचे हैं आसियान कंट्रीज। कौन से बचे हैं? आपको पता है जैसे आरसीईपी भी एक संस्था है, वैसे ही आसियान भी एक संस्था है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, समूह। तो इसमें कितने देश हैं? 10। तो 10 और 6 16 हो गए, तो 16 ये इसके क्या है, सदस्य देश है, क्लियर। तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है आरसीईपी का काम, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, इसे अल्टरनेटिव ऑफ टीपीपी बोलते हैं, मतलब टीपीपी का अल्टरनेटिव बोलते हैं। क्यों? टीपीपी क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है टीपीपी, मतलब पैसिफिक ओशन के किनारे पे जो भी कंट्रीज हैं वो इसके सदस्य होंगे, लेकिन भारत इसमें सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत इंडियन ओशन को टच करता है, ना कि पैसिफिक ओशन को। तो इंडिया जो है टीपीपी का सदस्य नहीं, पैसिफिक ओशन की बाउंड्री पर जो भी कंट्रीज होंगे वो होंगे टीपीपी के सदस्य। मतलब क्या इसका? टीपीपी है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया सदस्य नहीं है, मतलब इंडिया भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, तो इन कंट्रीज को कॉपरेशन का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। तो इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए आरसीईपी का गठन हुआ था, जिसमें आज के डेट में 16 सदस्य हैं, और ये एफटीए के सिद्धांत पर काम करता है। इसके पर एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर ही काम करता है, मोस्टली फोकस होता है ट्रेड पर। इसकी मीटिंग के रिजल्ट क्या आया ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट ये है, ये कंट्री पे मैटर करता है, कंट्री में क्या हो रहा है, क्या कंट्री उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या उससे इत्तेफाक रखती है। तो इसके रिजल्ट हमारे लिए मैटर नहीं करते, ये संस्था डेफिनेटली हमारे लिए मैटर करती थी। तो मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है कि अभी मीटिंग हुई है आरसीईपी की, कहां हुई है? कंबोडिया में हुई है। कितने सदस्य है इसमें? 16 सदस्य है। इंडिया है, हम है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और जापान। आशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। इसके बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को शो करता है, इसमें ये टीपीपी का अल्टरनेटिव बोला जाता है। टीपीपी है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और इसमें इंडिया सदस्य नहीं है, इसमें नहीं है, टीपीपी में नहीं है, आरसीईपी में है। तो यहाँ से हमें तीन संस्थाओं के बारे में पता चला, फर्स्ट वन इज आरसीईपी, सेकंड इज आशियन, थर्ड इज टीपीपी। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और एक बात, यहाँ पे कंबोडिया नाम से आपको कुछ याद आता होगा, याद नहीं आता तो याद करो, क्या अंकोर वाट मंदिर,
अंकोरबाट मंदिर, तो कंबोडिया में वर्ल्ड फेमस अंकोरबाट मंदिर है। तो आपको याद रखना है कि आपको बताना है कि किस भगवान के लिए यहाँ पर किस ईश्वर की पूजा की जाती है। तो आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कल एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, मन की बात। डेफिनेटली आप सब समझे होंगे मन की बात, नो डाउट। लेकिन मैं आपके मन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोदी जी के मन की बात की बात कर रही हूँ। सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो, ये पुस्तक है मन की बात, सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो। तो लिखी किसने, लिखी तो बहुत पहले कर चुकी है किसने, राजेश जैन ने। और आपको शायद पता भी होगा। तो कल क्या हुआ है, इसका विमोचन हुआ है, यानी कि पब्लिक में आ गई है ये, किसके द्वारा, मिस्टर अरुण जेटली हैं। मॉरी तो अरुण जेटली को नहीं जानते तो भाई कल्याण है आपका, फाइनेंस मिनिस्टर है देश के। तो इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था आज प्रगति पर है, मतलब आपके व्यू से प्रगति पर है, नीचे जा रही है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रगति पर है तो इन्हें बधाई की बात है, और नीचे जा रही है तो इन्हें ठीक करना चाहिए, ये आप पे मैटर करता है। लेकिन बाकी में इन डिसीजन काफी अच्छे हैं और एक बहुत ही अच्छे वित्त मंत्री हैं। तो आप क्या करेंगे, इस बात को याद रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या हुआ, संजीव कोहली नाम सुना है क्या, नहीं सुना। संजीव कोहली को क्या बनाया गया है, तंजानिया देश के लिए, तंजानिया के लिए उच्चायुक्त बनाया गया है भारत, क्या बनाया गया है, उच्चायुक्त। तो उच्चायुक्त क्या है और राजदूत क्या है, मैंने आपको पहले ही आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में क्लियर कर दिया था। उच्चायुक्त उन देशों के लिए जाते हैं भारत से जो कॉमनवेल्थ के मेंबर है, या मतलब राष्ट्रमंडल खेलों के मेंबर है, राष्ट्रमंडल के मेंबर है, या कभी ना कभी वो ब्रिटेन के गुलाम रहे। आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम वही लेते हैं, उसमें पार्ट लेते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। तो तंजानिया में हमारा उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया है संजीव कोहली को। तंजानिया के बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी है डोडोमा, और ये क्या होगा कैपिटल, और इसकी जो करेंसी है वो शिले, क्या करेंसी, शिले। तो आप ये बताया रखेंगे, उसके बाद पुराना मेरा वैस करेंगे, मैंने बोला है कि जब भी टॉपिक से रिलेटेड आए और पीछे में भी अगर मैंने बताया तो यू मस्ट रिमेंबर। तो देखते हैं, दिनेश वाडिया बताए थे कहाँ के, अर्जेंटीना के, और कौन बताया था, रीवा गांगुली दास, कहाँ की बताई थी, बांग्लादेश की बताई थी, विक्रम मिस्री, कहाँ की बताई थी, चाइना की, अजय बिसारिया। आपके मन में बात चलनी चाहिए, केवल मेरे मुँह से नहीं आपके मन में भी चलनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था, और भी उससे बताया था मैंने आपको, लेकिन आपको एक बतानी है अमेरिका की, मैंने अमेरिका की नहीं बताई, सबकी बतानी है अमेरिका क्या बताया, ठीक है ना। आप इसमें एक और ऐड कर दीजिए, संजीव कोहली को तंजानिया के लिए नियुक्त किया गया है, तंजानिया कहाँ पड़ता है, क्या आपने देखा तंजानिया, मतलब मैप में ही रहती थी, मैप में देखना होगा, तो कहाँ पड़ता है देखते हैं। देखिए अफ्रीका का मैप कुछ ऐसा बनता है, इस साइड में पड़ता है तंजानिया। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है, एटलस है, तो जाइए खोलिए, चेक करिए। आपको ये करना भी चाहिए कि अगर मैं आपको किसी जगह के बारे में बताती हूँ तो जाके उसे सर्कल कीजिए, जाके उसे पॉइंट आउट कीजिए, तो जिससे आपको पता चलेगा, एटलस की नॉलेज होगी, आपकी ज्योग्राफी अच्छे से हो जाए, है ना। तो अब क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और देखिए, अभी भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के मध्य समझौता हुआ है $455 मिलियन का। दोबारा सुनेंगे, भारत सरकार और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के मध्य समझौता हुआ है $455 मिलियन का, क्यों हुआ है ना। तो आंध्र प्रदेश के रूरल रोड को डेवलप करने के लिए, यानी कि ग्रामीण रोड को डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, समझौता हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है, कंटेक्स्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो AIIB के बारे में याद रखेंगे, इसका गठन 16 जनवरी 2016 को हुआ, यानी कि जिस दिन बनी थी उस दिन 16 जनवरी 2016 को, आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग क्या है, चाइना का कैपिटल, आप सब जानते हैं। इसके आज के डेट में प्रेसिडेंट कौन है, तो जिन लिक्विन, कौन है, जिन लिक्विन इसके प्रेसिडेंट है। तो ये AIIB के बारे में, देखिए AIIB क्यों बनाई थी, 2016 बताने की जरूरत क्या पड़ी, ये एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है, किसका,
वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का। होता क्या था, अभी तक वर्ल्ड बैंक की और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मोनोपोली थी, एक अधिकार था लोन देने पर, और इनकी कंडीशंस सारे देश नहीं मान सकते थे, कुछ ज्यादा टाइट कंडीशंस रहती थी इनकी, तो उसकी वजह से देश लोन के अभाव में रहते थे। तो लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म सामने आ गया है, अब इससे लोग ऋण लेकर फायदा उठा रहे हैं। ये लोग ऋण नहीं लेते हैं, ये देश ऋण लेते हैं, ठीक है ना। हमने आपके देश की बात की तो रिवाइज कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ पर क्या है, कैपिटल क्या है यहाँ की, अमरावती, और रिजल्ट में क्या है, हैदराबाद। 2020 में अमरावती हो जाएगी। सीएम है चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल है ये सर नरसिम्हा। ये आपकी टिप्स क्यों होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपके लिए कमी है, आपको रिवाइज 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 करना पड़ेगा। अभी बैंक लॉकर प्रोटेक्शन पॉलिसी आई है, क्या आई है, बैंक लॉकर प्रोटेक्शन पॉलिसी, मतलब क्या है ये समझते हैं ना। तो इसका मतलब है, अब लॉकर क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लॉकर सब लोग लॉकर में अपना खजाना रखते हैं, जो भी आपके पास खजाना हो जो भी हो। तो आजकल क्या होता है कि हम अपने घर में गोल्ड नहीं रखते हैं, अपने घर में जो पेपर्स होते हैं कीमती वो नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, सेफ्टी इश्यूज की वजह से नहीं रखते हैं। तो कहाँ रखते हैं, लॉकर में। आजकल लॉकर का प्रचलन ज्यादा हो गया है, हालांकि पुराने जमाने में घर नहीं रखते थे क्योंकि लॉकर नहीं थे, अब लॉकर है तो लॉकर का यूज होता है। तो इसमें क्या है, अब एक तो ये आया है बैंक लॉकर प्रोटेक्शन पॉलिसी। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने मान लो कोई नई कार खरीदी है ना, तो कार नई है हमें पता है एकदम अच्छी चलने वाली है, नई है तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें, और चोरी भी नहीं होने वाली, ऐसे कैसे हम कहते हैं चोरी होने वाली, फिर भी हम उसका बीमा कराते हैं। क्यों, हम उसके पहले से सिक्योर कर लेते हैं कि इन केस ये टूट गई, एक्सीडेंट हो गया या चोरी हो गई, तो जो हर्जाना है वो हमें मिल जाए, मतलब थोड़ी हमें उस टाइम हेल्प मिल जाए इससे बीमा कंपनी से, इसलिए हम बीमा कराते हैं। वैसे ही अब क्या होगा, बैंक लॉकर का भी बीमा होगा, यानी कि आपने अपना सामान बैंक के लॉकर में रख रखा है उसका भी बीमा पॉसिबल है। अब तो नई नई चीजें हो रही है भारत में, आपको खुश होना चाहिए कि भारत बहुत प्रगति पर है, आपका देश हमारा देश, तो आपको अच्छा खुश होना चाहिए। तो ये किसने स्टार्ट किया है, भारतीय एक्सचेंज, ये कंपनी है। तो ये कंपनी कैसी है, ये है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कैसी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है जनरल इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। जब आप अपने जीवन का बीमा कराते हैं, यानी कि जीवन बीमा कराते हैं, वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस में। जब आप अपनी कार का, अपनी बाइक का, घर का, अपनी बस का बीमा कराते हैं, वो कैसा हो गया, जनरल इंश्योरेंस। आजकल मेडिकल बीमा भी बहुत फेमस है, आपको पता है कैंसर बीमा आ गया है कि अगर आप कैंसर हो जाता है तो भविष्य में आपको क्या मिलेगा, रकम मिलेगी, है ना। तो ये जनरल इंश्योरेंस हो गया, ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो ये कैसा है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और भारतीय एक्सा, ठीक है ना। तो भारतीय, आपको नाम थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है क्या, भारतीय नाम होते हैं, भारतीय का इंडियन ही है, बिल्कुल सही बात है, इंडियन मतलब इंडिया की है, इंडियन कंपनी है, लेकिन ऐसा नाम नहीं है तो ऐसा फ्रांस की होती है, ऐसा नाम नहीं है फ्रांस की, यानी कि फ्रेंच कंपनी है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जैसे कि नोकिया किस देश की कंपनी है, आपसे पूछ लिया जाएगा सिंपली, या सैमसंग किस देश की कंपनी है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि एक्सा कहाँ की कंपनी है, एक्सा फ्रांस की कंपनी है। तो आई थिंक इट्स क्लियर, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी देखें। अभी सीबीडीटी के, सीबीडीटी व्हाट इज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब प्रत्यक्ष कर के लिए सेंट्रल बोर्ड, इसका क्या हुआ है, इसके अपडेट के लिए इसको एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका हेड बनाया गया है अखिलेश रंजन, इसको बनाया गया है अखिलेश रंजन। आपको याद रखना है समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, अखिलेश रंजन होंगे। सीबीडी काम क्या है इसका, डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना, इनकम टैक्स, आपको पता है कि इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स का एक प्रकार है। तो यहाँ से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, पहले समझिए, 1961 में बने थे इसके लॉज मतलब कानून, 1961 से वही कानून आज तक चले आ रहे हैं, 2019 चल रहा है, मतलब कितने साल हो गए। तो क्या समय के साथ इसमें बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी होगी, डेफिनेटली पड़ी होगी, लेकिन हम अभी तक उन नियमों का ही पालन कर रहे हैं। इसको अपडेट करने के लिए, इसको समय के साथ आगे बढ़ाने के लिए इसको अपडेट किया जा रहा है, इन लॉज को, किस लॉज को, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसको,
उसी में अमेंड करने के लिए, बताने के लिए उसमें लूप होल्स क्या है, यानी कि उसकी कमियां क्या है, उसमें किस जगह सुधार हो सकता है, कैसे उसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके हेड है अखिलेश रंजन। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि मैडम अभी कुछ दिन पहले तो जीएसटी आया था, तो आपको ये समझना होगा कि जो जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, इट्स अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ओके ना? मतलब कि अप्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है, ना कि प्रत्यक्ष कर का। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर डेफिनेटली मैं जानती हूँ आपको क्लियर होंगे, और नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि प्रत्यक्ष कर होता है कि देने वाला मतलब पे करने वाला डायरेक्ट अपने आप भुगतान करता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर होता है किसी के माध्यम से भुगतान करता है। जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप खुद ही जाके भरते हैं ना, और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये माल का लिया होता है ना, तो माल का हमने 10 रुपए का लिया, तो इस कंपनी ने तो पैसे दिए होंगे ना सरकार को, तो क्या आप 1 रुपए सरकार को देने गए? हमारे पैसे किसने दिए? कंपनी ने, और कंपनी को कौन दे रहा है? ये कैसा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो आया था वो इनडायरेक्ट टैक्स था, और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स की। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको बताया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच।